हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप बोदारा, बॉटनी फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन नीट। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मॉडिफाई आवर माइंडसेट फॉर इनिशियलाइजिंग बायोलॉजी फॉर नीट। कैसे हमें इनिशियलाइज करना है बायोलॉजी को नीट के लिए, तो यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। बेटा बेसिकली ये टॉपिक है जो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि कैसे अब बच्चों ने सेलेक्ट कर ली बायोलॉजी की, यार हमें तो रटना ही पड़ेगा 11th 12th के अंदर, हमें उनका जो माइंड सेट है उसको मैं आज मॉडिफाई करने वाला हूँ कि कैसे डिफरेंट है चीज़ें, कि क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी 9th और 10th से डिफरेंट है और क्या सिमिलरिटीज़ है। बेसिकली सिमिलरिटीज़ हैं 11th और 12th की जो बायोलॉजी है वो क्लास 9th एंड 10th के हूबहू सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस आता है बेटा वहाँ पर हम चीज़ों को याद करते हैं, रटते हैं और एग्ज़ाम के अंदर लिखते हैं और हम नंबर लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, क्लास 9 के अंदर आपने सेल पढ़ा होगा, क्लास 9 के अंदर आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट उसको आपने लिखा, आपको नहीं पता व्हाई सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हाउ, कैसे होती है, क्यों होती है। तो ये हाउ, व्हाई, व्हाट, इनके आंसर्स आपके पास नहीं थे, यहाँ पर इनके आंसर्स होने भी रिक्वायर्ड हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 11th एंड 12th के अंदर आपको वो आंसर्स मिलेंगे। साइंस, आपने एक साइंस की बुक पढ़ी ओनली, जिसके अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब आपको आज पता चलेगा कि बायोलॉजी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ द बॉटनी एंड अनदर वन इज़ द जूलॉजी। वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल कॉम्पिटिशन नीट के ऊपर फुल्ली अपलोडेड है, फ्री के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस नीट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो यहाँ पर बात करते हैं, चैनल का नाम है कॉम्पिटिशन नीट, जहां पर कंप्लीट जो सिलेबस है वो अपलोडेड है। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, जहां से आप उन टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमारे कुछ न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आरंभ 29 जुलाई 2021 को फॉर क्लास 11। ये किसके लिए है, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए, जो 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं और जिनका गोल मेडिकल कॉलेज, यानी बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज लाइक एम्स, मौलाना आजाद दिल्ली, SMS राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं जयपुर सरदार सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, ठीक है, SPMC, तो ये जितनी भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं जो उन बच्चों के ड्रीम हैं इनके अंदर जाना, तो वो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कीजिए। एंड यहाँ पर क्या स्पेशलिटीज़ हैं इन बैचेस की, ऑनलाइन के अंदर आपको कंटेंट यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फुल कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा, अलग अलग चैनल हर जगह से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन बैचेज़ के अंदर आपको एक सिस्टम के थ्रू आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि हर कोई बच्चा होता है वो कभी, आपकी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहेगी, सबसे मेन पॉइंट डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ठीक ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर की फॉर्म में रेगुलर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे जिनको आप देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही हुआ कि आपको वीडियो लेक्चर मिला, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उस लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है, और सेम डे आपको होमवर्क मिलता है, ठीक है बेटा, सेम डे आपको होमवर्क मिलता है। यही चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होती हैं। लेकिन अब बच्चों के माइंड में एक ही क्वेरीज रहती हैं कि सर हमारे डाउट्स का क्या होगा। स्टडी मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद में अपन बात करते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की फॉर्म में। अब अपन बात करते हैं हमारे डाउट्स की, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है कि डाउट्स का, कि हमारे डाउट्स जो हैं वो किस फॉर्म में क्लियर होंगे, डाउट्स हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैच बनता है, आप इस बैच को ज्वाइन करते हो आरंभ 2 को, तो आरंभ 2 के नाम से ही आपका टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप के अंदर आपके जो डाउट्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज आपके ग्रुप्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे, पूरे दिन के अंदर जो भी आपने पढ़ा, तो वो सारे आपके क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अपने पास में क्या हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, पहला जो ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ, टेलीग्राम हुआ।
सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन है लाइव डाउट यानी टू वे कम्युनिकेशन। ये तो भाई पूरी की पूरी बराबरी कर रहा है। ऑफलाइन के अंदर भी आप ये टीचर से बात कर सकते हैं, उससे डाउट पूछ सकते हैं, आपकी जनरल क्वेरीज हो सकती हैं, और बच्चों को क्या होता है कि मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, बोर्ड्स को क्विट करके वो कम्पिटिटिव की तरफ आ रहे हैं, कम्पिटिशन कैसे डिफरेंट है। तो ये भी आपने लास्ट सेशन के अंदर मोहित पाराशर सर ने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि बोर्ड्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा। तो लाइव डाउट ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है बच्चों के लिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अब अगर आपको इतनी सारी और टेस्ट, आपके प्रॉपर टेस्ट आपको 15 डेज के विदिन आपको प्रॉपर टेस्ट, उसका रिजल्ट, रैंकिंग, ताकि एक कम्पिटिटिव अपने बीच में कंपटीशन बना रहे बच्चों के बीच में आपस में, उनको लगे कि यार कि मुझे भी कम्पीट करना है, वरना आप इंडिविजुअली तैयारी कर रहे हो, अकेले ही कर रहे हो, तो उसमें क्या मतलब है कि आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते कि हम कहाँ पर है, हमारी रैंकिंग कहाँ पर है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऐसे भी हमारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये बात हुई बेटा न्यू बैचेस की, और आपको मैं सजेस्ट करता हूँ 10th टू 11th स्टूडेंट्स जो मूव कर रहे हैं 10th से 11th की तरफ, उनको ज़रूर ये बैचेस ज्वाइन करने चाहिए, फॉर माई सजेशन। अब अपन बात करते हैं कि सर क्या करें, बायोलॉजी हमने ले ली तो क्या डिफरेंसेस हैं, बायो के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, 9th और 10th के अंदर जो बायोलॉजी है वो 11th और 12th में क्या है। पहली बात तो मैं एक डिवीज़न यहाँ पर करने वाला हूँ, ये है हमारे पास में बायोलॉजी। बायोलॉजी देखो, नीट के अंदर मेनली 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, टोटल 720 का पेपर होता है, ठीक है, 720 का पेपर होता है, किसका, नीट का 720 मार्क्स का पेपर होता है। 720 के अगर हम हाफ करते हैं तो 360 मार्क्स का टोटल बायोलॉजी होता है, 360 मार्क्स का क्या होता है, टोटल बायोलॉजी होता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 360 का बायोलॉजी है यानी 50%, ये नीट का 50% पार्ट कवर करती है, नीट का 50% जो सिलेबस है यही कवर करती है, कौन, बायोलॉजी। अब इसके अंदर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, वन इज द बॉटनी एंड अनदर वन इज द जूलॉजी, ठीक है, एक को मैंने डिवाइड कर दिया बोटनी और जूलॉजी। बोटनी के अंदर हम डील करते हैं अबाउट द प्लांट्स, और एनिमल्स के अंदर एनिमल्स को डील करते हैं इन द जूलॉजी, ठीक है। तो यहां पर बोटनी एंड जूलॉजी, इन दोनों से 45 क्वेश्चंस यहां से हमें देखने को मिलते हैं, मतलब 180 मार्क्स की क्या हो गई, 180 मार्क्स की बोटनी हो गई एंड 180 मार्क्स की जूलॉजी हो गई, 180 मार्क्स की जूलॉजी हो गई। अब यहाँ पर बेटा हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर सिमिलरिटीज़ की बात बताओ। बेटा सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, मेरा कहना यही है कि जो 9th एंड 10th की बायोलॉजी है, 9th एंड 10th की जो बायोलॉजी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो 9th एंड 10th की जो बायोलॉजी है, क्लास 9th एंड 10th बायोलॉजी, मैं कंबाइंडली ही उनके कुछ टॉपिक्स का एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँगा कि इसके अंदर जो टॉपिक्स थे क्लास 9th और 10th की जो आपकी बायोलॉजी थी, 9th के अंदर एक टॉपिक था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के नाम से जिसको हम जानते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी अपन सेल को सिंपली डिफाइन करते हैं कि आपको क्लास 9 के अंदर पढ़ाया जाता था कि व्हाट इज द सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आपने लिखा, आपको नंबर मिल गए। लेकिन यहाँ पर हमें उसके बैकग्राउंड में भी पता होना चाहिए कि सेल ही बेसिक यूनिट क्यों है, इससे कम क्यों नहीं हो सकती, वाई सेल, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो बात करेंगे हम टिश्यू की, एंड थर्ड हम बात करेंगे अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर अपनी 3 टॉपिक्स की बात की, सबसे पहला कौन सा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। अब यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि सेल के बारे में हम देखते हैं कि सेल की डेफिनेशन हमने नॉर्मली याद की, ठीक इसी तरीके से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में, उनकी फंक्शनिंग, उनकी स्ट्रक्चर और उनका सिग्निफिकेंस, और हम इससे आगे बात करते हैं अबाउट द सेल डिवीजन, एक सेल डिवाइड कैसे करती है, क्यों डिवाइड करती है, उस पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े लॉजिकल होते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, मैच द कॉलम बेस्ड होते हैं, और वो हाउ व्हाई व्हाट इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। जनरली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो व्हाट वाले होते हैं कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, हाउ, एलेबोरेट, डिस्क्राइब, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो पूरा डिफ्रेंशिएट है बिल्कुल। बेटा मैं बताऊँ, अगर बोर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कर्व की तरह है, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी हर्डल्स आपको देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कर्व उसका बनता है। तो क्योंकि हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई डेफिनेटली अगर उससे आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। लेकिन बोर्ड्स के अंदर तो अगर आपने एक बार पूरी चीज़ें लिख ली, पूरी चीज़ें याद कर ली, तो आप उनको डेफिनेटली है कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ उनके बारे में जवाब दे देंगे। यहाँ पर आपको सिंगल आंसर देना होता है, सिंगल वर्ड में आपको टिक करना होता है। अगर आपने सही टिक किया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत टिक किया तो आपका 1 नंबर कटेगा। लेकिन बोर्ड के अंदर को कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अंदर आपने कुछ भी लिखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2-2.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। यहां पर या तो पूरे मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि सिमिलर है। जैसे कि मैंने अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात की, इसके अंदर कैसे हमें आगे डिफरेंशिएट करना है, यही टॉपिक्स होंगे, बस नाम अलग हो जाएंगे। यहां पर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाम से है, वहां पर यह जो टॉपिक होगा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम से होगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इसके अंदर हमें डिस्कस करने को मिलेगा, जिसके अंदर सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, टिश्यू, ठीक है। अब ये टिश्यू क्लास 11 के अंदर जैसे आप जाएंगे, क्लास 11 के अंदर जैसे आप जाएंगे तो एनिमल के अंदर भी आप टिश्यूज को अलग सेपरेटली पढ़ेंगे एंड प्लांट्स के अंदर भी आप सेपरेटली पढ़ेंगे। इसको अपन बोल देते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, यानी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में देखने को मिलेगा। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डाइवर्सिटी यानी वेराइटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेराइटी, तो प्लांट्स की वेराइटी और एनिमल्स की वेराइटी, यानी एक जो टॉपिक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लांट डाइवर्सिटी, और एक जो आपका टॉपिक होगा बेटा वो होगा एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम नाम से भी इसको हम देखते हैं। अगर एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको एनिमल किंगडम से, और ये मिलेगा प्लांट किंगडम, ठीक है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अब व्हाई डू वी फॉल इल एक टॉपिक है क्लास 9 के अंदर, तो वो आपको मिलेगा इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम के अंदर, वो आपको नीट के अंदर आप उसको इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। नेचुरल रिसोर्सेज है और इन्वायरमेंट है, ये सब आप कहाँ पर पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। एक यूनिट है इकोलॉजी, जिसके अंदर जो क्लास 12 के अंदर है 4 टॉपिक्स इंक्लूड हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये 4 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट, एटमोसफियर, ये सब हमें उस इकोलॉजी यानी बॉटनी के अंदर। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये कॉमन है। बायोलॉजी के अंदर अगर हम टिश्यूज की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज को हम जियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यूज को हम बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज को हम बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा कमांड बनानी होती है। मैक्सिमम जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी है वो रटने का है, मैं कहूँगा कि बायोलॉजी रटने का बिल्कुल नहीं है, बायोलॉजी बार बार पढ़ने का है। यानी बार बार अगर आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाती है। देखो बेटा, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी ABCD तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। तो ठीक इसी तरीके से बायोलॉजी के भी कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे सेल है वो बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, उसके अंदर आपको सेल के अंदर बायोलॉजी के बेसिक्स देखने को मिलेंगे। और हम जिन एग्जांपल्स को उन पे इम्प्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी डाइवर्सिटी के अंदर आपने मान लो किसी एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी एल्गी के टाइप्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप एल्गी की सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर आपने सेल पढ़ा है, सेल की स्ट्रक्चर देखी है, जब ही आप एल्गी की स्ट्रक्चर देख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, राइबोसोम्स क्या है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है, जब ही आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से क्लास 10 का एक टॉपिक है, काफ़ी छोटा सा है। अब कहते हो सर आप तो बोल रहे हैं
कि यहाँ पर क्लास 10 के अंदर तो बायोलॉजी के 9 और 10 को मिलाकर 10 टॉपिक्स ही होते हैं, पर यहाँ पर तो 38 टॉपिक्स हो जाते हैं 11 12th की बायोलॉजी को मिलाते हैं, तो वो क्या है बेटा, एलिबरेट कर दी गई। देखो एक लाइफ प्रोसेसेस नाम से एक टॉपिक है क्लास 10 के अंदर, एक टॉपिक है किस नाम से, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेसेस जो टॉपिक है ये बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है क्लास 11 12th के अंदर। इसके अंदर आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11 के अंदर आप बॉटनी के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 11 के अंदर, ये 10th का टॉपिक है, ठीक है। और ये इसके सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर, और इनको आप 11 क्लास के अंदर किस में पढ़ेंगे, बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे यानी जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पूरी एक यूनिट है, ये पूरी एक यूनिट है बेटा। यहां से लेकर यहां तक अगर अपन बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, ये सारे हम कहां पर पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। कहां पर हम पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये पूरी एक यूनिट है जिसके अंदर 5 टॉपिक्स डिवाइडेड हैं, ये 5 चैप्टर्स हो गए, ठीक। इसी तरीके से सारे टॉपिक्स जो हैं इसी तरीके से डिवाइड होते हैं बेटा, हूबहू सिमिलर है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आप इनिशिएशन कर रहे हो, अभी आप 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो बैचेज हैं ये सारी हेडेक आपकी ख़त्म है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे। सारी हमारी जो टीम है वो आपके साथ है, और इन बैचेज में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और आपको आपके गोल तक पहुँचाने का जो काम है वो हमारा है, कि जो भी आपके माइंड में जिस भी मेडिकल कॉलेज का सपना है उस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का काम हमारी टीम का है, हमारी टीम आपके साथ है। आप इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए, और क्लास 11 स्टूडेंट्स को तो स्पेशली ये बैचेस ज्वाइन करने चाहिए, अगर आपको इतने सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक लाइक ऑफलाइन क्लासेस की तरह, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर, तो आपको ये बैचेस ज्वाइन करने चाहिए। एट लास्ट मैं यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट।